जनपद रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी ने सत्येवाखाल चोपता मंडल में सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रभारी आदित्य कोठावी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की चिंता करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं को देश में 10 करोड़ नए सदस्य लक्ष्य प्राप्ति में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा के साथ साथ पार्टी प्रत्याशी को जीतने के लिए जुट जाना है। भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की पुष्कर धामी सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ की लागत के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी और इस बार भी जनता भाजपा प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का आशीर्वाद देगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के आज मंडल सत्येवाखाल की बैठक दुर्गाधार में आयोजित की गई, जिसमें चुनाव प्रभारी जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए नामित हुए हैं, प्रदेश महामंत्री श्रीमान आदित्य कोठारी जी मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष जी मौजूद रहे और विधानसभा संयोजक के नाते मैं भी उस बैठक में उपस्थित रहा। हमारे सभी मंडलों के जितने प्रवासी थे, जितने प्रभारी थे और शक्ति केंद्रों की जो हमारी टीम थी, सारे लोग उसमें मौजूद रहे और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के उसमें विचार विमर्श हुआ। 28 तारीख को जो नामांकन प्रत्याशी का होना है उसके लिए कार्य योजना बनाई गई और सभी ने संकल्प लिया कि इस समय जो है 75% मत हासिल करके केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से जो है सत्येवाखाल मंडल की अपने दुर्गाधार में हमारे सभी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे जो भी चुनाव संबंधित जो भी दिशा निर्देशन थे सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दिए गए। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के प्रशासन मंत्री हमारे आदित्य कोठारी जी भाई साहब, हमारे लोग विधायक और इस कार्यक्रम के जो विधानसभा चुनाव उसके संयोजक हमारे भरत सिंह चौधरी जी और तमाम सभी कार्यकर्ता आए थे। और हम लोगों ने जो भी अब हमारा, क्योंकि अब 2-3 दिन बाद हमारा जो भी दावेदारी जितने भी लोग हैं उनमें से एक प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो चल रही है, उसके द्वारा जैसी घोषणा होती है तो तत्काल हमारा नॉमिनेशन और आगे कार्य के संबंध में, कार्यों के संबंध में हम लोग यहाँ पर सभी लोग बैठे और सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशन हम लोगों ने किया।